इन्फॉर्मेशनल है इसमें, आप विजिट कर लो में। और आज हम फूड का हम ऑनलाइन से डाल दिया जाएगा, मतलब कि आप ये नया रेस्टोरेंट है लगभग मतलब एक महीना तो हुआ है, इतना ज़्यादा मतलब कम्प्लीटली मतलब डेकोरेशन वगैरह भी इतना ज़्यादा कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है। तो और अभी हम यहाँ का रेस्टोरेंट में काम करने पड़ रहा है, काम करना मतलब हम भी सामान खरीदने के लिए कैमरा वो सब करते हैं कुछ करने के लिए, तो हम भी इतना दिन से आया है तो भी फिर भी हम वीडियो बना नहीं पाया। तो आज हम लोग का हम ये हम लोग का हो गया एंट्री के लिए हो गया हम लोग का, और ये हम लोग का रिसेप्शन हुआ सब कुछ हो गया। और यहाँ पे टेबल मतलब इतना ज़्यादा ये बस, और ये देखो भाई कितना मतलब अभी पूरा खाली होकर रखा है, खाना बना भी सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा करके बना भी सब कुछ बनाया धीरे धीरे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बनाया है और मतलब जितना हो सका इतना बनाया हमने, दो तीन घंटे से बनाया तो उसका बस है। अभी हम लोग देखा था गैस और सब कुछ, ये देखो गैस हम लोग का ये हो गया हम लोग का इसमें चिकन, और ये चिकन राइस फ्राई, और ये हो गया हम लोग का सिंगापुरी फ्राइड राइस, और ये हो गया फ्राइड राइस हो गया ये, और ये बाबा रोल, और ये चिकन रोल, और ये हो गया हम लोग का मुगला पराठा, ये हो गया मुगला पराठा, और ये हो गया हम लोग का बिरयानी मतलब नॉर्मल है मतलब अभी अच्छा से नहीं बनाया, और ये हो गया हम लोग का खाना, और ये चिकन हो गया, और ये दाल ये और आलू फ्राई, और उसमें साथ साथ में चटनी मिलेगा, और ये हो गया हम लोग का मंचूरियन, और इतना मतलब हम लोग का इतना ज़्यादा नहीं बनाया इतना ही बनाया, और इतना ज़्यादा बनाने के मेरा भी टाइम नहीं था इतना ज़्यादा मतलब इतना वो सब कुछ करने का टाइम नहीं था गाइस। और मेरा ये इसका भी लोकेशन मतलब इंस्टाग्राम में और फेसबुक में व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप में नहीं मतलब यूट्यूब में डाल दिया जाएगा मेरा, और लोकेशन जानने के लिए तो मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक का पेज में मिलेगा वो सब कुछ का। और हम लोग का मतलब हम हेल्पर हो गया, ये मेरा मेन कुक हो गया, और वो हम लोग का मालिक हो गया, और हम लोग का मैनेजर सब बाहर गया है, इतना मतलब इतना ज़्यादा नहीं मतलब, और हम लोग का मेन्यू वो सब कुछ भी नया रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले मतलब कोई और चला रहा था, तो अभी हम लोग इतना ज़्यादा नहीं किया। और अभी हम थोड़ा कुक रेस्टोरेंट को किचन को भी देखा देगा इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है थोड़ा मतलब इतना तो ठीक ही है। ये हो गया हम लोग का रेस्टोरेंट, ये सब हो गया, और यह हम लोग का बर्तन वो सब कुछ करने का, बस हम अभी यहाँ में सामान वो सब कुछ रेडी करके रखा था, और ये हम लोग का फ्रिज हो गया, और हम लोग का टेबल खाना खाने का जगह है ये हो गया। रेस्टोरेंट का नाम है मई पार, मतलब हिंदी से बोले तो डैड और मोम, उसको उसका नाम है मतलब ऐसा मतलब डैड और मोम, और ढाबा रेस्टोरेंट वो सब कुछ है। हम यहाँ का ढाबा और मतलब हम लोग का रेस्टोरेंट भी सबसे मतलब अगर शिलोंग में जाएगा जाने से सुमेर पहुँचने से पहले मिलेगा हम लोग का रेस्टोरेंट, और आने से सुमेर पहुँच कर आना पड़ेगा। और यहाँ में सामान मतलब इतना ज़्यादा तो महंगा तो नहीं है, तो मतलब मीडियम है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है सस्ता भी नहीं है, तो सामान भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तो उसकी वजह से वो सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ में मतलब लगभग मतलब यहाँ जगह में लगभग यहाँ में 40-30 लोग को बेच सकता है, और अभी देखा था हम लोग का बाहर का नज़ारा मतलब गेट एंट्री होने से पहले तो देखा था गाइस। Thank you.
हम लोग का लोकेशन मतलब गूगल मैप। और यार देखो गाइस, चलो गाइस अभी हम लोग को, ये हम लोग का किचन में है, तो अभी हम किचन में आकर हम पूछते हैं मतलब कुक को, और मतलब कितना साल ट्रेनिंग किया और कितना साल काम किया वो सब कुछ पूछेगा, और कहाँ कहाँ तक काम किया है हम वो सब भी पूछेगा। मतलब मतलब ये मिर्ची, मतलब मिर्ची का मिर्ची भी जलने लगा, मिर्ची ज़्यादा है ना, कभी कुछ कुछ जगह में तो मिर्ची ज़्यादा देना पड़ता है, उसकी वजह से मिर्ची मतलब ज़्यादा है। और फिर भी कभी अब लाइन भी अप डाउन कर रहा है, बहुत ज़्यादा लाइन अप डाउन कर रहा है, इसकी वजह से मतलब यहाँ का सब गैस जो बाहर जा नहीं सक रहा है इसकी वजह से। और अभी लाइट आया तो अभी बाहर जा रहा थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी चलो कैसे पूछते हैं हम लोग का कुक को। हाँ, आप कितना साल ट्रेनिंग किया है? 8 साल। अच्छा, 8 साल। और कितना साल मतलब परमानेंट काम किया? हम टोटल हो गया 40 साल। अच्छा, 40। अच्छा, और कहाँ कहाँ काम किया? तमिलनाडु 3 साल, मिजोरम में 15 साल, शिलोंग में 10 साल। अच्छा, और आप लोग सुन सकते हैं गाइस, और इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट को गया है, 8 साल का, 8 साल का एक्सपेरिमेंट मतलब ट्रेनिंग कुछ मामूली काम नहीं है गाइस। इतना हम तो मतलब इतना इतना 8 साल तो मतलब हम तो नहीं कर सकेगा, मतलब ट्रेनिंग वो सब कुछ 8 साल तो नहीं कर सकेगा। मेरा ज़्यादा होगा, मतलब 1 साल 2 साल ऐसे मतलब मेरा तो ज़्यादा होगा, और इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकेगा। ये हो गया हम लोग का कुक, और इसका हम हो गया है पर, और हम ये इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी है, फिर भी यहाँ पे मेघालय में, फिर मेघालय से बाहर गया था मेघालय से, और फिर मेघालय में आया है ये, क्योंकि इसको बुलाया गया तो उसकी वजह से आना पड़ रहा है। और हम लोग अभी इतना ज़्यादा मतलब करके भी काफ़ी तो नया है, इसकी वजह से कस्टमर नहीं आता है, मतलब कस्टमर नहीं मतलब किसी मालूम नहीं ना कैसे, इसकी वजह से नहीं आता, इसकी वजह से नेट में डालना पड़ रहा है, ऑनलाइन में यूट्यूब में डालना पड़ रहा है। हम तो मतलब यूट्यूब में पहले से डाला हुआ होने से भी हम तो फिर भी डालना था गाइस, क्योंकि मेरा तो ये तो हम तो दिखाना पड़ेगा ना गाइस, तो इसकी वजह से हम दिखाया है। तो अभी हम चलते हैं मालिक के पास, उसको पूछते हैं मतलब ये रेस्टोरेंट कितना साल हो गया? 2 महीना 2 और 3 महीना। अच्छा, आप लोग सुन तक से गाइस, 2 और 3 महीना हुआ तो नया ही है, मतलब इसलिए वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर को मतलब मालूम नहीं है, आता है मतलब इतना नहीं, 10-15 ऐसा आता है एक दिन का तो। और ये रेस्टोरेंट मतलब कुछ खास के लिए खुला था? और कितना रेस्टोरेंट है आपका वहाँ से? मतलब खाली एक, बस ये पहले ना? हाँ, ये पहले है गाइस, और उसके बाद मैंने सुना मतलब कहीं और खुलने वाला है, और दूसरा जगह में खुलने के सोच रहे हैं आप? हाँ, रेस्टोरेंट ये तो फर्स्ट टाइम ना। हाँ, ये आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स वी सी ओपन दूसरा जगह। हाँ, और रेस्टोरेंट का नाम आप ये बता दो, आपका आप नाम तो एक ही। हाँ, मेरे पास दादा अंदर सब जगह। हाँ, अच्छा, और रेस्टोरेंट का नाम तो सेम ही होगा, मतलब जैसे कि ये रेस्टोरेंट का नाम है सेम वैसे ही होगा, मेईपा ढाबा। और ये मेईपा का मतलब हम लोग का खासी भाषा से हो गया ये, और हिंदी से बोलते हैं तो मेई को माँ को बोलता है, पा को डैड को बोलता है, मतलब उसको बोलता है, मतलब डैड मोम का नाम से मतलब ढाबा ही है। और इतना इतना मतलब नाम भी इतना सोच कर रखा है ना गाइस, तो क्या बोलूँ, मतलब इतना ज़्यादा सोच कर रखा है नाम। और यहाँ में देखो गाइस, और ये हो गया हम लोग का एशिया का सबसे मतलब एशिया कॉन्टिनेंट का मौलोंग विलेज का क्लीनिनेस विलेज का मतलब ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ में ये मतलब यहाँ में फोटो वगैरह शूट करने का भी बहुत अच्छा है, और यहाँ में हम लोग का ये मतलब हाथ धुलाने का हो गया, ये गमला वो सब कुछ फूल वो सब कुछ लगा के रखा है। और ये अभी हम लोग मतलब पूरा गमला लगा के रखा है, डेकोरेशन तो पूरा एकदम और पूरा मस्त पूरा डेकोरेशन हुआ है। और यहाँ देखो गाइस, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ड्रॉ करके रखा है गाइस। और यहाँ देखो, यहाँ में अभी यहाँ में बैठकर आराम से मतलब फोटो वगैरह भी ले सकते हैं गाइस। और अभी देखते हैं मतलब ये देखो, यहाँ भी ड्रॉ किया हुआ है। और ये देखो गाइस, यहाँ भी ड्रॉ किया है, मतलब यहाँ इतना ज़्यादा सफाई नहीं किया, मतलब नया है गाइस, इसकी वजह से लाइट भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, डेकोरेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कुछ भी मतलब कमी नहीं है, हमें सब कुछ पूरा है, मतलब कम्प्लीट है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है ना गाइस।
आप लोग यहाँ में आकर थोड़ा मतलब एक दो घंटे बिताने से और कुछ खा पी कर जाने से ऐसे सोचेगा, फिर खाने आने के लिए मन करेगा। इतना ज़्यादा सामान भी महंगा है और टेस्टी भी इतना ज़्यादा टेस्टी है। कुक भी आप लोग को भी कुक के बारे में भी पता चल गया गाइस, कुक भी इतना ज़्यादा आजकल का एक्सपेरिमेंट मामूली नहीं है गाइस। इतना ज़्यादा तकलीफ किया और एक्सपेरिमेंट किया और 40 ईयर्स काम किया हुआ है, तो इतना ज़्यादा उसका कुछ गड़बड़ नहीं होगा उसके साथ, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आदमी के साथ। तो अभी हम ब्लॉग को यहाँ में एंड करते हैं गाइस, मेरा ट्रैवल अभिजीत का ब्लॉग में, और मेरा चैनल को सपोर्ट करते रहो, जुड़ते रहो और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करते रहो। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हम कुकिंग करने का दिखाएगा, मतलब हम तो ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्रेनिंग ले रहा है वैसे ही हो रहा मेरा। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतजार कर रहा, शेयर टू कमेंट एंड लाइक कमेंट दो, सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट गाइस, मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइस। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतजार करो, बाय बाय गाइस।